हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण गुप्ता अपने चैनल यूट्यूब चैनल विनियो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कैसे हम जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये हमारे तीन एग्जाम्पल देखो जो बिल्कुल ईजी से हैं, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अभी तक अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जितने सब्सक्राइबर की संख्या जितनी बढ़ती है हम जो है उतना ही हम लोग क्या होते हैं खुशी मिलती है, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा 6/10 है, ठीक है। 6/10 जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही डेसिमल को हम क्या करते हैं लिख देते हैं, उतने ही हमारा डेसिमल पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और जी एक जीरो है तो इधर से काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के बाद हमारा जीरो लिख देंगे, ठीक है। सपोज दैट ये आपका 6/100 होता, तब क्या होता आपका, तब आप 6 लिखते, क्योंकि दो जीरो हैं तो कितने डेसिमल लगते हैं आपके, 2 डेसिमल लग जाते हैं। 6 आपका है, अब नंबर तो है नहीं तो यहाँ पर जीरो बढ़ाते और पॉइंट लगा कर फिर एक जीरो, तो 0.06 बन जाता। अगर 6/1000 होता तब क्या होता आपका, तब आपका 6 लिख कर दो जीरो बढ़ाते यहाँ पर पॉइंट लगा कर ऐसे। तो इस प्रकार से नंबर अगर आपका नीचे 10, 100, 1000 है तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपका क्या होता है जितने जीरो उतने ही डेसिमल लगा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5.1000 है आपको जैसे, तो 5/1000 है तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 लिखा, अब क्योंकि तीन डेसिमल लगाना तो एक तो जीरो बढ़ा देंगे, दो जीरो और बढ़ गए और इधर पॉइंट जीरो लगा दिया, ठीक है। अगर 36 मान लो 36/1 होता, 36/1000 तब आप क्या करते हैं, 36 लिखा, अब क्योंकि तीन डेसिमल लगाना है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाया ये बढ़ गया। मान लीजिए 123/1000 है तब क्या होता है, थ्री डिजिट है, थ्री पॉइंट लगाना, तो 123 लिखा, पॉइंट लगा के जीरो इधर आपका ऐसे लिख दिया, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी नंबर में हमारा क्या है, 1 कम्प्लीट 3/100। तो ये हमारा किस में है, मिक्सड फ्रैक्शन। सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 100 + 3 = 103/100 हो गया, ठीक है। अब हमारा इसको क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करना है तो दो जीरो है, दो अंक के बाद लिखा देंगे तो 103 और इधर से तीन क्या टू डिजिट हम काउंट करेंगे तो 12 इधर से काउंट करेंगे, ऐसा नहीं करना, इधर से काउंट किया तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया, पॉइंट लग गया और ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी तक तो नीचे आपका 10 था, 100 था, 1000 था, अगर ऐसे नंबर तो सिर्फ हम जीरो काउंट करते थे उतने डेसिमल लगा देते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/5 है, अब इसमें तो आपका पॉइंट है ही नहीं है, तो इसके दो तरीके हैं, इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड आपका हमारे देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि वह 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। तो इसमें हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन गया, 3 × 2 = 6/10 बन गया। अब 6/10 बन गया, इसको डेसिमल में चेंज कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है, है ना। तो ये एक जीरो है तो आपका क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे तो हमारा 6 पॉइंट लगा कर ये हो गया 0.6 बन गया, बहुत आसान था। दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड देखिए इसको क्या करेंगे। सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, भाग जो है ये तो मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, दूसरी मेथड जो है डिवाइड मेथड है। डिवाइड मेथड में 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 3 से ज़्यादा ना जाए, ठीक। 3 ऊपर इसलिए बीच में रखेंगे, 5 नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको इधर रखेंगे तो जीरो टाइम गया, पॉइंट लगा लिया यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा लिया। पॉइंट लगाने के बाद हम जीरो को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना जाए, 5 6 = 30 डिवाइड कर दिया, माइनस करने पर क्या आ गया, 0 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 3/5 = 0.6। तो ये हमारी कौन सी मेथड है आपका, मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। और ये दूसरी हमारी जो मेथड है कौन सी आपके, डिवाइड मेथड है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा इजी लगे उस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
एक मेथड को यूज करना है, मैंने दोनों बता दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। फोर कंप्लीट थ्री अपॉन 50, इसको मिक्स में चेंज करते हैं, 4 × 50 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 203/50। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैंने बताया कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये क्या हो, ये 10 में या 100 में या 1000 में चेंज हो जाए। तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो ये 100 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसलिए 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करने के तो 400 क्या बन जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए 2 अंक के बाद हमारे 2 डिजिट के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 406। इधर से काउंट करेंगे 1 2 काउंट करने के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ये हमारा क्या बन गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अगर इसको डिवाइड करके तो सेम वैसे डिवाइड करेंगे, 203 को 50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 51 जो है 50 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो 200 आ गया। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 0 0। अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 इंक्रीज करते हैं। अब 50 पर टेबल पढ़ेंगे, 30 ज़्यादा ना जाए, नहीं जाएगा, यानी 0 टाइम जाएगा, 0। तो यहाँ 0 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारा, 30 आया, क्योंकि पॉइंट लगा है तो फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 50 टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 6 टाइम, तो 300 आ गया, माइनस कर दिया, 0 0 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डिवाइड करने के बाद भी आंसर क्या आ गया, 4.06, दोनों सेम आ रहा है, यानी 4.06 ऐसा हम ये आंसर हमारा आ गया। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये हमारा डिवाइड मेथड, जो भी आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन और डेसिमल को चेंज करेंगे, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट वाइज वर्सा है आपका। तो दो एग्जांपल मैं लेकर समझा रहा हूँ, 1.12 पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है हमारा 0.065। ठीक है, 1.12 है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वल टू, पॉइंट हटाना है हमें तो हम कितने पर आपका 112 पॉइंट हटा दिया, नीचे हम लिखेंगे 1। अब कितने डेसिमल हैं, इधर से काउंट करेंगे, राइट हैंड से हमेशा काउंट किया जाता है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 20 यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। अब क्योंकि ये नंबर 2 है, यहाँ पर 0 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 5 जा 10 करिए 1 2 6 जा, इसको भी 2 से काट देंगे, 2 5 जा ये हो गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से फिर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2, हाँ 2 8 जा, 2 से इसको काटेंगे 2 25 जा, ये हमारा क्या आ गया, 25 28/25। अब इसको मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड में चेंज करना मैंने बताया वीडियो में आपको, पहले भी बताया था, इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1 complete 3/25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, 0 B number 0.065, तो पॉइंट पहले हटा देंगे, सिर्फ हमारा क्या आ गया, 65 आ गया, अपान 1 लिखा, कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 डेसिमल है, तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। अब ये क्योंकि 5 है, इसमें 0 है, 5 से कट जाएगा, 5 से कट कर देते हैं, 5 कैसे पकड़ गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 5 से कट 5 2 जा 5 0 0, तो ये हमारा क्या आ गया, 13/200 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि अब आगे कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से हम इसमें इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और इसको मिक्स्ड में आपका सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम नंबरों को क्या करते हैं, मिक्स्ड में या जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में या ओनली फ्रैक्शन में डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले उसको
पावर आप 5 डिनोमिनेटर 100 या 1000 10 जो भी आपका आ जाए 10000 100 उसको रखते हैं और उसको फिर डिवाइड कट कट करके ठीक है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये कट करना नहीं आता या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने वीडियो रखा हुआ है बनाया हुआ है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी सभी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़रूर लाइक करें ठीक है ना, और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।